सर हम बहुत खुश हैं आज, सर हमको जिस तरह साइन करवाया, आपको सम्मानित किया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल, इसलिए आज उन्हीं की वजह से हम सर से मिल पा रहे हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी आपने साइन किया है, तो जी सर। पुलिसिंग कैसे काम कर रही है, भी आप समझ रहे हैं? जी सर समझ रहे हैं, काफ़ी मेहनत का काम होता है ये सब जी। साइन ऑन करना तो आज हम किए हैं साइन, तो पता चला है आज। एंटी टबको एक कैंपेन चली थी, जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे, और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया जो बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का ADG बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकल कर सामने आए हैं, और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं, और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है, और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है बीमारी, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है ऐसे सपोर्टर्स की, जैसे हमारे पंकज रिजवानी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके पिता एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और हर्ष दुबे जी का आज का जो ADG का कार्यकाल है एक दिन का, वो सफलतापूर्वक ये पूरा करें, तो मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। डॉक्यूमेंट भी इन्होंने साइन करें, आज इन्होंने पेपर्स भी साइन किए मेरे बिहाफ पर, और इनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से जोन में कार्य किया जाता है। देखो, जो ऐसे जो कैंसर एक इनक्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, आजकल हम लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव किया है, हर तरह के कैंसर को हम लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, अगर शीघ्र है जो अर्ली स्टेज में जो हम लोग जो कैंसर इलाज करते हैं, इनका पूरा सफलता मिल सकते हैं। जैसे स्टेज बढ़ जाते हैं तो इलाज का लंबाई काफ़ी लंबे इलाज करना पड़ेगा, और इनका संभव ठीक होने का संभावना कम होते हैं। इसलिए इस कैंसर के बारे में आप लोग कोई भी डरने वाली बात नहीं है, और सीधे आ जाइए, सीधे इसके इलाज आ गए। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्टिंग स्कीम्स बनाए हैं, जैसे आयुष्मान स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम्स बनाए हैं, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को लिए हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से ही 2 लाख रुपये तक का फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। सो आज लोग किसी को डरना ये नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधा ये हम लोगों के पास कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसी के कोई पैसे के बारे में चिंता मत करो, आप लोग सीधे आके इलाज करना चाहिए, कोई कैंसर के बारे में आजकल डरने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है।